होते रहते, हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी, खुश रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहे। ऐसा बोलना नहीं दो तो हमको तो इशारा ही नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा सामने ये पॉइंट याद करेंगे, टीवी में सामने आ जाएगा चित्र, इसलिए ओम शांति। ओम शांति। इशारे मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, सर्व के दिलों के स्नेह के आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सबके अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे न जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वो स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारे हैं।
ओम शांति। वेलकम टू शांति व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। मनाभव पहले सोचें और फिर करें, इसे सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। एवरीवन इज वेल, ओके, सब अच्छे हैं? यस, गुड, वेरी गुड। अच्छा, बाबा कॉल्स रिसीविंग ब्लेसिंग्स, इट इज ओनली व्हेन वी, बाबा की आशीर्वाद है, बाबा की ब्लेसिंग है, कीप वेल, इसीलिए तो हम सब अच्छे हैं ना। Our aim for this month was, इस महीने का हम सबका लक्ष्य था कि हम सबकी बुद्धि स्थायी रहे, बाबा की याद में रहे। तो हमने मनमनाभव का ये विषय चुना और हम रोज मुरली से पॉइंट लेकर जो भी बाबा हमें समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें ये धारणा होगी, ये प्रैक्टिस होगी, तो तुम निरंतर योगी बन जाएंगे। जब हम भी होमवर्क लेते हैं और सारा दिन भी हम चेक करते हैं कि हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं आकर्षित होती रहती है कभी मोह में और कभी कहीं जाती है, परिस्थिति की तरफ चली जाती है। किसी कोई परिस्थिति आती है तो मैं बाबा से तो यही कहती हूँ कि बाबा अब करण करावनहार है। तो एक तो यहाँ पर दो बातें हैं कि एक तो मेरी बुद्धि जो है वो परिस्थिति की तरफ न जाए, और फिर दूसरा कि ये पूछते भी हैं कि उसका क्या रिजल्ट जो निकलता है उसको देखते हैं क्या। तो एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। तो एक कोई महिला थी, वो शिव की भक्तिन थी, शिव को बहुत मानती थी। तो गणेश ने कहा कि आप ये जो महिला है इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते कि इतनी भक्ति करती है। तो शंकर ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया। तो ऐसा बस कहा कि बस उसको कहें कि बस धन्यवाद धन्यवाद कहते रहे। तो बस थैंक यू बोलते रहे, धन्यवाद शुक्रिया बस करते रहे। तो ये महिला ने बस ऐसे ही धन्यवाद धन्यवाद करते रहती। और एक दिन उसने शरीर छोड़ दिया, तो उस समय भी वो भगवान को धन्यवाद धन्यवाद कह रही थी शरीर 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 छोड़ते समय। तो फिर देवताओं ने कहा कि हमें तो इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये धन्यवाद धन्यवाद कह रही है। तो ऐसे ही बाबा भी हमें कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना कि
कि बाबा की महिमा करते रहें कि बाबा आप कल्याणकारी हैं, आप अतित पावन हैं। अगर हम इस तरह से बाबा, वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन अगर हम बाबा का आवाहन भी करते रहेंगे तो कोई भी कार्य जो हमारा होगा तो उसमें हमें मदद मिलती रहती है, मिलती रहेगी। तो उस दिन भले हमें उसका रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि बाबा हमारी मदद करते रहते हैं। The karma philosophy, settling of karma. जैसे कर्मा फिलोसॉफी जो है, उसको हमें कर्मों को तो अपने कर्मों का हिसाब किताब चुप्तु करना ही है। अगर कुछ होना है तो हमारे साथ होना ही होगा वो, लेकिन कैसे हम अपनी तरफ से इस तरह से हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, हमारी बुद्धि जो है वो ब्लॉक नहीं हो उसमें, तो क्योंकि हमारी हमारी बुद्धि में कुछ ना कुछ है, तभी हम बाबा की याद में नहीं रह पाते। तो ये होमवर्क में मैंने यही मैंने अनुभव किया कि हमें यही चेक करना है अपनी बुद्धि कहाँ जा रही है, कि हमारी मैंने यही अनुभव किया कि हमारी कि हम बाबा की याद में कितना देर रहते हैं, बहुत लंबे समय रह पाते हैं या नहीं, और फिर देखें कि हमारी बुद्धि जो है बाबा की याद में क्यों नहीं रहती है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना कि मुझे भी 300 लोगों का परिवार देखना पड़ता है, कहते थे कितने सारे सीन्स होते रहते थे, लेकिन फिर भी बाबा कितना स्टेबल रहते थे, स्थाई उनकी बुद्धि रहती थी, उनकी वो अपनी स्थिति पर पहुंच पाए, संपूर्ण स्थिति को पा पाए। इवन आखिरी में जब शरीर छोड़ा उस समय भी उनने उनकी बुद्धि कहीं भी इधर उधर नहीं गई। कैसे अगर बाबा की याद में शरीर छूटता है, उन्हें छोड़ा और उसके बाद अपने फरिश्ता बने और दादी के हाथ में उन्हें हाथ दिया, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। तो याद में भी हमें बाबा को फॉलो करना है। बाबा के साथ हमने कितने वर्ष बिताए हैं, बाबा की सेवा करते हैं, अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, लेकिन साथ साथ याद के ऊपर भी अटेंशन जरूरी है। मन मनाभाव में रहना बहुत जरूरी है। तो कल जैसे हमने योग और ज्ञान का प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया, ये कल होमवर्क लिया, तो हमें सेंसिबल होकर के रहना है। कौन सी शक्ति, कौन सा गुण किस समय यूज करना है, यही तो ज्ञान और योग की बात है। और फिर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हमको तो क्या करना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा को हमें याद करते रहना है। तो दूसरी आत्माओं की जो वृत्ति है, उनके संकल्प हैं, वो भी बदलने लगेंगे और उन आत्माओं को मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम किसी को खुश करने की कोशिश करते रहें, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि बस बाबा के पास चले जाओ, बाबा को देखने दो सबको। तो ज्ञान और योग का हमें प्रयोग करते रहना है ज्यादा से ज्यादा। और फिर कल के लिए हम क्या लेंगे, कल का होमवर्क है कि जो भी कुछ हम करें उसके पहले सोचें, क्योंकि हमारे संकल्प पास्ट में चले जाते हैं या फिर भविष्य में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं,
फिर वो क्लीन नहीं रहते ना, हमारे जो संकल्प होते हैं वो साफ नहीं होते, वो पास्ट के कुछ संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, हमारी वृत्ति जो है बदल जाती है। तो मुझे तो यही लगता है कि हमें ये प्रैक्टिस करना है कि हमारे संकल्प बहुत शुद्ध रहें। ये हम अनादि स्वरूप में स्थित होकर अपने संकल्पों को जैसे एकदम न्यूट्रल बना लें, और वही हमको यही करना है कि हमारे जो कर्म जो है वो अकर्म हो, हमारे संकल्प अकर्म हो। कोई अच्छा है तो मैं भी अच्छी हूँ, कोई मुझे खुश कर रहा है तो मैं भी उसको खुश करूँ, तो ये तो जैसे अपवित्रता है। मुझे तो सबके लिए प्यार रहना चाहिए, मेरे अंदर हर 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 एक के प्रति स्नेह होना चाहिए, और वही उस आत्मा को हम इस तरह से पालना उसकी कर सकते हैं, और यही उसके लिए हम मदद, इस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो हमें कोई भी कर्म करने के पहले हमें बहुत अच्छी तरह से सोच करके करना है, और बिना सोच के तो कोई कर्म हो नहीं सकता। तो हमें अंदर से बहुत ही, जैसे हमारे संकल्प बहुत पवित्र होनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ आत्माओं को, बहुत अच्छी तरह से कारण का निवारण निकाल लेते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखते, और उस हिसाब से फिर उनकी सोच भी नहीं होती, तो वो निवारण, हर किसी का निवारण कर लेते हैं। तो वो सबको, सब हर आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं, और उनके कर्म अकर्म बन जाते हैं, उनके कर्म अकर्म हो जाते हैं। और अब तो ये समय है कि हमें अच्छे और बुरे से भी पार जाना है, सुकर्म विकर्म से भी पार, हमें तो अब अकर्म में जाना है, अकर्मी जीवन जीना है हमें। जैसे बाबा के लिए कहते हैं ना कि अभोक्ता है, अकर्ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई परिस्थिति से हम गुजरते हैं, तो फिर हम उस अनुसार हमारी सोच, हमारे कर्म होने लग जाते हैं। तो इस पर सोचें, इस पे थोड़ा विचार सागर मंथन करें। तो हमारा होमवर्क, जो भी कर्म आप करें उसके पहले सोच करके करें, जो भी कुछ जैसे आत्म अभिमानी स्थिति के बारे में सोचें, अपने अनादि स्वरूप को सोचें, बाबा के बारे में सोचें, जो भी सोचें, सोच करके ही फिर कार्य करें। तो ये हमारा होमवर्क होगा। ओम शांति। Om Shanti. शनिवार का दिन है तो हम स्पेशल चिट चैट होगी आज। Hear the experience from our Pando. And before that, I would like to just go through tomorrow's. इसके पहले हम 3:30 AM to 4:45 AM पांडव जो है उनसे आज सुनेंगे। इसके भी पहले आज का, कल का स्केड्यूल है 3:30 to 4:45 तक अमृत वेला, फिर 6 to 7:30 मेडिटेशन और साकार हिंदी मुरली, और उसके बाद फिर मेडिटेशन 7:30 to 7:45 और 7:45 to 8 भोग लगेगा, फिर 8 to 9:30 अव्यक्त मुरली होगी, मोहिनी दीदी से सुनेंगे, मोहिनी दीदी इंग्लिश अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे कल। सो please make sure we are all together.
So now I would like to invite our dear Avikti Pandav. So today Avikti Pandav ko nimantran deti hu. Brother Pallav hamare saath hai, wo anubhav share karenge. So I would like to invite both of them. Welcome. ब्रदर जर्वीश भी साथ में है, दोनों को हमें इनवाइट करते हैं. ओम शांति मोहिनी दीदी. शांति दीदी. डियर अव्यक्ति परिवार, सो फॉर्चुनेट टू बी विद द डिवाइन फैमिली. सो देवी परिवार के साथ होमवर्क, आई वाज रिमेंबरिंग दादी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सबके साथ. लाइट एंड माइट मेक्स एवरीथिंग राइट. दादी कहती हैं लाइट और माइट से सब राइट हो जाता है. तो ब्रदर पल्लव आप आज अपना अनुभव शेयर करेंगे. ओम शांति दीदी. ओम शांति. ओम शांति अव्यक्ति परिवार. टुडे वाज अ रियली अ डिफरेंट डे फॉर मी. तो आज का दिन मेरा बहुत अलग रहा. टुडे आई हैव टू शेयर. मुझे पता था आज मुझे शेयर करना है, तो मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, लेकिन ज्यादातर तो मैं खुश रहा. I want to share. मुझे ये चांस मिल रहा है बाबा के परिवार से शेयर करने का. तो अव्यक्त मुरली और साकार मुरली से, आज के साकार मुरली से कुछ पॉइंट में शेयर करूंगा. आज बाबा ने कहा बाबा इन दिस बर्थ, कि इसी जन्म में हम बाबा को बाबा कह सकते हैं. सतयुग में तो हम बाबा को परमात्मा को बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम परमात्मा को जानेंगे ही नहीं. इसी वक्त हम उनको जानते हैं. वेरी फॉर्चुनेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. ये बहुत हम सबकी बहुत अच्छी तकदीर है कि हम कि छोटे थोड़े समय के लिए, ये समय बहुत कम है. वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट अ चांस टू कॉल हिम. मैं अपने आप को बहुत तकदीरवान समझता हूँ कि मैं बाबा को बाबा कह पा रहा हूँ. पूरे कल्प में मैं बाबा को बाबा नहीं कह पाऊंगा उस रीति से. और दूसरा पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि किसी से भी बात करते समय रिकुटी के मध्य में ही हमें देखना है, आंखों में नहीं देखना, क्योंकि आंखों में देखने से भी देह के अभिमान में आ जाते हैं. उसे जब रिकुटी के बीच में देखते हैं, तब ये अंदर से रहता है कि मैं अपने आत्मा भाई को देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ. तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, प्रयोग किया इस पॉइंट का. ये पॉइंट तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन आज मैंने इसका अध्ययन किया जितना भी हो सका. आज मैं सारा दिन करता रहा. तो ब्रिकुटी के मध्य में देखने का जो मैंने अभ्यास किया आत्मा को, ये इससे सब कुछ मुझे ऐसा लगा आसान हो रहा था मेरे लिए. जैसे बाबा कहते ना, कोई ऐसे कहेगा नहीं कि तुम अपने की ब्रिकुटी के मध्य में क्यों देख रहे हो, आंखों में क्यों नहीं देख रहे, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया बाबा ने जो बताया. बहुत सुंदर. बाबा को बाबा अनुभव करना इस वक्त
मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो मीठे बच्चे जब बाबा ने कहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, आधे घंटे तक मेरे आंसू आते रहे। तो बाबा के अभी हम बनते हैं, ऐसा होता है ब्राह्मण परिवार में, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसे संस्कार आ जाते हैं जिससे हम भारी हो जाते हैं। तो क्या आप कोई ऐसी युक्ति बताना चाहेंगे जिससे कि आप अपने आप को लाइट रखते हैं, तो सब कुछ जिससे आपका सब कुछ राइट हो जाता है? ऐसा बहुत बार होता है जब हम अपने पुराने संस्कारों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जिससे हमें उतनी खुशी नहीं रहती। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, उस समय मैं अपना मुरली पढ़ना शुरू करता हूँ। मुरली पढ़ना बहुत ही मेरे लिए एक बहुत अच्छा साधन है। वो सारे जो व्यर्थ संकल्प आते हैं उनसे मैं दूर हो जाता हूँ। तो बाबा की मुरली ने ही मुझे बाबा का बनाया है। और मुझे मैं आत्मा हूँ, ये बाबा ने ही मुझे बताया है। तो दूसरा तरीका ये मैं जो करता हूँ कि मैं कोई ब्राह्मण आत्मा के साथ बात करता हूँ, या फिर सेंटर जाकर के कर्म योग में अपने आप को बिजी कर देता हूँ। तो उससे फिर मैं वापस अपने आत्माभिमानी स्थिति में आ जाता हूँ। Thank you very much. It was so beautiful. धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर बताया कि मुरली जो है, मुरली दिलाराम का काम करती है। जैसे बाबा दिलाराम है, तो बाबा की मुरली भी हमें बहुत आराम देती है, बहुत उम्मीद हमको देती है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने शेयर करे। कल का होमवर्क आप प्लीज शेयर करेंगे। मन मना भव, पहले सोचो फिर करो, टैली करो, जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है, कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो, मन बिजी भी रहेगा तो मन मनाभव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। ओम शांति। मन मना भव, फर्स्ट थिंग, मन मना भव, पहले सोचो फिर करो। Tally with Brahma Baba. Tally karo. Whatever actions you perform. Brahma Baba se tally karo. First of all, jo bhi karma karo, pehle tally karo. Compare yourself. Milan karo. Are these Father Brahma's deeds? Brahma Baba ka kya yeh karm ya bol ya sankalp hai? It is said. Kaha bhi jata hai, pehle socho, fir karo.
First of all, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो. So did you hear what Bab Dada? सुना बाप दादा भी क्या चाहते हैं? You also want this. आप भी चाहते तो हो. If your mind remains busy, it will be easy. मन busy भी रहेगा तो मन मनाभाव होना सहज हो जाएगा. If your mind is busy, मन busy होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी. मन मना भव. पहले सोचो फिर करो. टले करो जो भी कर्म करो. पहले टैली करो, मिलान करो. ब्रह्मा बाप का यह कर्म या बोल या संकल्प है. कहां भी जाता है पहले सोचो फिर करो. बोलने के पहले तोलो फिर बोलो. तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो. मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भव होना सहज हो जाएगा. मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी. ओम शांति. Om Shanti. Welcome to Vyakti Journey. Om Shanti. Vyakti Journey में आपका स्वागत है. तो अभी अव्यक्ति परिवार के साथ आज के चिट चैट के लिए ब्यूटीफुल टॉपिक एंड साइलेंस और सिंप्लिसिटी के ऊपर, सरलता और साइलेंस के ऊपर बातें करेंगे. एरिक भाई का स्वागत करते हैं. ओम शांति एवरीवन एंड लविंग ग्रीटिंग. मोहिनी दीदी को स्पेशल ग्रीटिंग्स दे रहे हैं. एक जूम से दूसरे जूम मिल रहे हैं. Very nice to be with you again and to continue a conversation. बहुत अच्छा लग रहा है फिर से यहाँ पर आने.
those who are, of course, in Avyakti Parivar and who जो व्यक्ति परिवार में हैं, जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे भी. तो ये इंटीग्रेटेड रिट्रीट चल रही है. CCs, VIPs की, वह सब TTs की, कोई ITs नहीं है, all my team, सब board members, सबकी रिट्रीट चल रही है. और इसकी थीम जो है वो है साइलेंस, सिंप्लिसिटी और सरेंडर, समर्पण. सिंप्लिसिटी माने सरलता, और साइलेंस से कैसे हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है. तो मोहिनी दीदी बता रहे थे कि कैसे हमको अपनी स्थिति को बना के रखना है, स्थायी रखना है, स्थिर रखना है. बाबा की सेवा में बिजी होते हुए भी कैसे हमें स्थिति को, अपनी स्थिति को बना के रखना है. तो इस टॉपिक पर, ये सीरियस टॉपिक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो ये तीन शब्द, साइलेंस, सरलता और समर्पणता, ये तीन शब्दों के साथ में खेल रहा था. तो ये तीन शब्दों के बारे में आपको क्या पसंद है? जैसे एक, जैसे ये आपको कोई गीत बनाने के लिए दे दिया जाए, ये तीन शब्द के साथ गीत बनाने के, तीन शब्दों को कैसे आप साथ में जोड़ेंगे? जब हमारे संकल्प कम होते हैं तो साइलेंस होता है, और फिर सरलता, सरलता भी होती है ना. जब हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो फिर सरलता नहीं रह जाती, फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है. ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो बाबा को सरेंडर कर दे, बाबा को समर्पण कर दे. ठीक है, बाबा को हम दे दें. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ करते हैं और उसके बाद लगता है हमको कि हमको कुछ और करना चाहिए था. मुझे तो अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो सब कुछ सरल हो जाता है. तो कोई भी तरह का कोऑर्डिनेशन हो, सेंटर का हो, या कोई रीजनल हो, या कंट्री हो, कोई भी कोऑर्डिनेशन किसी भी तरह का हो, तो मिलजुल कर करना, तो इसके लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ स्किल्स चाहिए रहती हैं. जितना जितना हम साइलेंस यूज करेंगे, साइलेंस का उपयोग करेंगे, आजकल मुझे तो ऐसा समय था कि दो तीन लाइन जो थी, बड़ी बड़ी दो दो लाइन रहती थी, अब एक लाइन में बनाते हैं. और पैराग्राफ भी है ना आजकल, बहुत बड़े बड़े पहले रहते थे, अब छोटे हो गए. तो वो समझना बहुत जरूरी है कि साइलेंस जो है, इसीलिए साइलेंस की बहुत आवश्यकता है. क्योंकि जितना जितना, तो आपने मुझे सिखाया था कि पैराग्राफ की साइज कितनी होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बार लेटर का जवाब देना था, कोई पत्र का जवाब देना था. तो मैंने पत्र जो लिखा, लेकिन मैंने बहुत सारे लाइंस लिखे, बहुत पैराग्राफ बड़ा बड़ा लिख दिया. तो मुझे आपने बोला कि आपने लेटर तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो जिसके पास ये पत्र जाएगा उसको ये समझ में आएगा? तो ये कितना, इससे हमें ये समझ में आता है कि कैसे हम ईमेल भी जब लिखें तो हमें बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ और एक एक लाइन, जैसे एक एक लाइन में लिखना चाहिए, ताकि लोगों को
लोगों को समझ में आए और उनको क्लियर हो. आपने मुझे ये बताया कि कैसे पैराग्राफ को छोटा छोटा बना करके लिखे, तो आपने मुझे बहुत साल पहले ये बताया था, तो उसके लिए मैं मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है. तो साइलेंस माना हमारी सोच, और हमें जैसे फुल स्टॉप लगाने की आदत, जैसे ड्रामा है, और उसके बाद फिर से सोचो. हाँ, सोचते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोचना ही नहीं है. लेकिन तो मैं तो यही करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि ये कुछ चीज चल रही है मेरे अंदर, तो कोई ऐसी बात अंदर आ रही है, तो मैं फिर उसे समय फुल स्टॉप लगा देती हूँ. और फिर हमें अपने आप को रिचार्ज भी करना है ना, और साइलेंस के द्वारा हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं कि हमें अपने को शांत रखना है. और अगर हमको क्लैरिटी चाहिए, हमें एकाग्रता चाहिए, तो एकाग्रता के लिए, क्लैरिटी के लिए हमें ये साइलेंस की गहराई में जाना बहुत जरूरी है. जब हम साइलेंस में जाते हैं, मुझे ये महसूस होता है कि जैसे हम बाबा के साथ, अगर हमको बाबा का संकेत चाहिए तो हमें साइलेंस में जाना बहुत जरूरी है. तो सारा दिन हमें बीच बीच में रुक रुक कर अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए. जितना जितना हम इसको करेंगे, मुझे बाबा को सुनना है. बाबा, मेरा क्या भविष्य है, मुझे क्या डायरेक्शन है, आपकी क्या श्रीमत है मेरे लिए. तो ये तो मुझसे बोला गया था कि रिट्रीट के लिए मैसेज लाने के लिए, और मेरे सामने कोई भी नहीं. और फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा आपको मैसेज, तो मैं बाबा के पास गई और बाबा ने मुझे कहा कि ये सब मेरी भुजाएं हैं, और कल की मुरली अगर आप सुनेंगे तो आप दे पाएंगे. उसमें भी बाबा ने कहा है कि आप सब भुजाएं हैं. तो देखो, भोग मैसेज में भी वही आया. तो क्या इसका मतलब ये कि हमें कुछ नहीं करना है, बाबा को सब कुछ करना है और अपने आप सब काम हो जाता है. तो हमें बाबा के साथ बहुत सच्चा सच्चा होकर रहना है. तो हमारी बुद्धि नहीं चलती, लेकिन बाबा हमारी मदद करते हैं. तो जो मैसेज में था वही मुरली में आया. तो मैं हिंदी की मुरली सुबह पढ़ रही थी, तो ये मैंने पाया. तो हमें अपने मन को बहुत साइलेंस में ले जाना है. तो असंतुष्टता जो आती है ना, वो अंदर से, क्योंकि हम वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो जरूरी है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं. तो इसीलिए साइलेंस का अभ्यास जरूरी है. कोई भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं है, तो बस साइलेंस में चले जाएं, और उसके बाद फिर बैठें, और फिर बाबा की याद में बैठें, और फिर आपको उत्तर मिल जाएगा. तो मुझे लगता है कि साइलेंस जो है बहुत जरूरी है. सब कोऑर्डिनेटर्स के लिए साइलेंस बहुत जरूरी है. तो बाबा के डायरेक्शंस मिलते हैं, और फिर दूसरों को भी मदद हम कर पाते हैं साइलेंस में जाकर. तो साइलेंस, सरलता और समर्पणता. तो आपका लीडरशिप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सत्य लीडरशिप क्या है? अगर हम सही तरह से चेक करते हैं, तो हमको डायरेक्शंस भी क्लियर मिलते हैं. तो जो लीडर होता है, उसके डायरेक्शंस जो है वो बहुत क्लियर होते हैं. तो अगर हमारे डायरेक्शंस क्लियर होंगे, तो हम दूसरों को भी सहयोग दे सकते हैं. अगर हम सिंपल रहते हैं आज की दुनिया में,
जब हम अगर सिंपल हैं, कई बार कहते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत गहरी बात थी लेकिन आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया, तो हमारे रहने का ढंग, हमारे बातचीत करने का ढंग बहुत सिंपल होना चाहिए। तो अगर सिंपल रहता है तो फिर वो समझ में भी अच्छे से आता है। कोई कोई बुद्धिमान आत्माएं भी होती हैं। आज मैं सवेरे किसी को बता रही थी, अगर मैं आपका पत्र पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी कभी कभी हमारा अटेंशन जो है, हम आखिरी का पढ़ते नहीं है तो फिर कई बार हम मिस भी कर जाते हैं। हमको ऐसे कुछ, मुझे लगता है कि हम मिक्स कर देते हैं। कोई चीज सिंपल होती है लेकिन हम उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मुझे लगता है लोग डायरेक्शंस को सही रीति से पढ़ते नहीं है। तो हमें तो ऐसा डायरेक्शन देना, जैसे पहला पैराग्राफ जो है ऐसा होना चाहिए, हमें सिंपल लिखना चाहिए कि ये ऐसा तीन पॉइंट्स हैं, एकदम स्ट्रेट हमें बताना चाहिए, सिंपल बताना चाहिए। तो उससे फिर दूसरों को गाइड करने में आसान होता है। तो मुझे ये समझ में आया जो आपने कहा। मुझे ऐसा लगता है मैं कई बार बहुत उसमें कोई भी चीज को मक्खन लगा के भी बोलना भी जरूरी नहीं है। तो as part of another paragraph somewhere you have to underline it or do it. तो शुरू में लिख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आगे फिर आप सिंपल रखें बिल्कुल। For anything is how much you are understood, right? तो जरूरी तो ये है कि हमने कितना समझा है। जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं ना, did you understand? They will say, did I make it clear? ऐसा नहीं कहते कि आपने क्या, आपको क्या समझ में आया, लेकिन ये कहते हैं कि क्या आपको क्लियर हुआ। तो मैनेजमेंट में ये पूछते हैं, ये पूछते हैं कि मैं जो भी कहा क्या क्लियर हुआ। तो समझना भी बहुत जरूरी, दूसरों को खुद समझना और दूसरों को समझाना ये भी बहुत जरूरी है लीडरशिप के लिए। और फिर वहां पर सरेंडर, समर्पणता आती है कि जैसे हम बाबा की मुरली आप कल सुनेंगे ना, तो जैसे बाबा ने कहा कि अगर आपने कुछ किया कि जो चीज परफेक्ट नहीं है तो बाबा को आप दे दो और बहुत ज्यादा नहीं सोचो उसके बारे में। तो सरेंडर, समर्पण ये भी होता है कि बाबा ये आपका कर्तव्य है, आपका कार्य है, मैं तो बस इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं अपना पार्ट प्ले करूंगी अच्छी तरह से। तो अंदर से मैं जैसे समर्पण कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया बाबा को, बाबा मैं तो अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, बाकी आपको करना है। तो वो इंस्पिरेशन जो है वो आता है हमारे अंदर जब हम लगातार करते हैं, कोई भी चीज को लगातार करते हैं तो हमें वो चीज सही होने लगती है। तो इसीलिए हिम्मत रखना है, विश्वास रखना है, निश्चय रखना है, ये सारी गुणों को रखना है अपने साथ। What do you see as not simple and not surrendering? What do you see sometimes as being? Because I think most of us, we think sometimes that we are surrendered. हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमने सरेंडर किया। आप जिस तरह से कह रहे हैं ये बहुत गहरी बात है, सूक्ष्म बात है, लेकिन क्या चीज हम समर्पण नहीं करते, समर्पित नहीं करते?
तो हमें पता कैसे चलेगा हम समर्पण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो जब हम सरेंडर करते हैं तो अंदर से जैसे अगर हम हमारे अंदर ये थॉट्स आते हैं संकल्प आते हैं कि मेरी स्पेशलिटी मेरे टैलेंट यूज नहीं हो रहा है तो अंदर से जैसे वो फीलिंग आती है कि मुझे स्वीकार नहीं किया जा रहा मेरी पहचान नहीं बन रही है मेरे को मेरा तो इसका मतलब अंदर से आपने सरेंडर नहीं किया है. जब मैं बाबा के पास आई तो मैं घर में बहुत सिंपल रहती थी लगता था मुझे कि मैं घर में ही रहूं लेकिन बाबा ने फिर कहा कि बाहर जाना है तो मैं तो बाबा को यही कहती थी कि बाबा मुझे पब्लिक में नहीं जाना बाहर नहीं जाना लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें जाना होगा बाबा तुमको सब फैसिलिटी देंगे. तो अब मैं सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गई जैसे सिस्टर ज्योति ने मुझे इनवाइट किया था दुबई में तो वहाँ तीन भाइयों के साथ मुझे रहना पड़ा लेकिन वहाँ पर इतने उमंग उत्साह के साथ वो अरेबियन कंट्री में सेवा हुई और वहाँ पर जाके मैंने भाषण दिया तो मुझे यही लगता है कि ये बाबा का ही कार्य बाबा ही हमसे कार्य करवाता है वो हिम्मत बाबा ने ही दी. अगर मैं सोचती कि मैंने किया तो फिर वो सरेंडर नहीं हुआ है ना तो सरेंडर होना और फिर इंस्ट्रूमेंट बनना. So back to the image of leadership or we say leadership ka. It's also, you know, at the same time we're always following Brahma Baba in his Baba ke kadmon ke pe kadam Brahma Baba ke kadam pe kadam rakh ke chalte hain chalne ke liye hame baba prerna dete hain. To aapko kya apni leadership ke bare mein andar se pata rehta hai? Mujhe lagta hai कि मैं तो बहुत नेचुरल रहना चाहती हूँ. एक बार दादी प्रकाशमणि ने कहा दादी प्रकाशमणि से पूछा आप नंबर वन कैसे बन गए तो उन्होंने कहा कि मुझे करना है मैं समय पर क्लास में आऊंगी मुझे जो करना होता है वो मैं करती हूँ तो फिर दूसरे लोग फिर वो देखकर अपने आप करते हैं. एक बार मीटिंग थी सेंटर पे दिल्ली में तो दादी थी उस समय तो दादी के हाथ में झाड़ू थी और दादी पूरी क्लीन कर रही थी सफाई कर रही थी तो दादी ने कहा कि लेट हो रहा है इसलिए मैंने ये काम करना शुरू किया. तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दादी प्रकाशमणि हूँ मैं झाड़ू हाथ में कैसे लूं. तो हम कर्मयोगी हैं हम नेचुरल तो हम इस तरह से नेचुरल होकर कर्मयोगी होके रहते हैं तो फिर सिंपल रहते हैं तो ये इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है. तो आपको क्या ऐसा कभी लगता है कि मुझे जिम्मेवारी निभाना है लीडरशिप की जिम्मेवारी को निभाना है ये बाबा का यज्ञ है आपको जैसे आपको चाबी दे दी गई है और आपको करना है तो आपको कैसा लगता है कि मुझे बाबा का सम्मान रखना है सम्मान करना है मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो ये भी तो लीडरशिप है ना. आप क्या समझते हैं? तो कुछ दिनों से मैं यही सोच रही थी कि मैं यज्ञ को क्या ऑफर कर सकती हूँ. आजकल तो जूम क्लासेस बहुत कुछ कर रहे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुझे इस तरह से करना उतना पसंद नहीं है उतना मैं नहीं करती लेकिन बाबा ने मुझे ये अगर कार्य दिया है तो मुझे करना होगा. तो मैं अंदर से सूक्ष्म तरीके से मैं सोच रही थी देख रही थी सोच रही थी कि और मैं क्या ऑफर कर सकती हूँ. तो मैंने यही सोचा कि मेरे अंदर यही आया कि हमारा प्रेजेंस जो है उससे अंतर पड़ जाता है. अगर हम अंदर से शांत हैं निर्माण चित्त हैं तो ये सिंपल हम रहते हैं
तो काफी सारी बातों को हम और आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। तो मैं बहुत सोचती रहती हूँ कि मैं किस तरह से बाबा के यज्ञ में बाबा ने मुझे रोल दिया है पार्ट प्ले करने के लिए, मुझे तो करना है कि जो भी लोग कहते हैं मैं अंडरलाइन करती हूँ, और मैं कोशिश ये मेरी रहती है कि अपने स्वरूप बन जाऊं जो भी मुझे करना होता है। Just a few minutes left, but thinking again, you know, of course, the whole big family is listening. थोड़ा समय रह गया है, तो पूरा परिवार तो सुन रहा है कि मैं जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये सारे जो आत्माएं जो प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, बड़े बड़े रोल कोऑर्डिनेटर, ये सब कंट्री को देख रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं फैमिली के लिए, परिवार के लिए। तो आप कैसे वो बैलेंस को देखते हैं? एक तो समर्पण था, बाबा ये आपका कार्य है तो अपने आप को सरेंडर करना, और फिर उसके साथ साथ लीडर भी। Decision will impact other people. ये सोच कि भाई मैं जो निर्णय लूंगी वो दूसरों को भी प्रभावित करेगी। तो ये ट्रू लीडरशिप क्या है इसमें? तो समर्पणता का मतलब ये नहीं कि सरेंडर बुद्धि, माना मतलब बुद्धि तो समझ रही है ना, परिस्थिति को समझ रही है, मुझे लगता है कि सही समय पर जो भी कुछ निर्णय लेना होता है, अच्छा विजन जैसे बाबा बता देता है, दिखा देता है। तो सरेंडर माइंड, सरेंडर मन, सरेंडर बुद्धि। तो अभी तक जो भी रोल मेरा रहा है, जी भी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में, यूएसए में जो रोल रहा है, तो मुझे बहुत क्लियर विजन आ जाता है, मेरे को पता चल जाता है कि ये हर चीज के लिए जो भी चीज की जरूरत हो मुझे वो निर्णय करना मेरे लिए, मैं देख पाती हूँ, विजन मेरा क्लियर होता है। तो ये सरेंडर बुद्धि बहुत अच्छे से, तो लोग कई बार समझते हैं सरेंडर माना कुछ निर्णय नहीं लेना, लेकिन ऐसा नहीं, सरेंडर करो और फिर निर्णय लो इंस्ट्रूमेंट बनकर। तो फाउंडेशन मतलब साइलेंस जो है फाउंडेशन है, साइलेंस बहुत बड़ा फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वही आधार है, साइलेंस जो है बड़ा आधार है, शक्तिशाली आधार है। एक बार मैनहट्टन में हमें प्रोग्राम में जाना था, तो हमको पीस का एक बेल थी, शांति की कोई बेल थी, वो बजाना था, ऐसा कुछ था। तो ट्रैफिक तो बहुत होता है मैनहट्टन, लॉन्ग आइलैंड से मैनहट्टन। तो जगदीश भाई जी ने हमें कहा कि अलेक्जेंडर, किंग अलेक्जेंडर ने युद्ध वो हार गए क्योंकि वो लेट हो गए। तो उस समय बहुत ट्रैफिक, बहुत सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रेसिडेंट थे। तो वो क्या, उन्हें क्या किया कि वो कार से उतरकर पैदल चलना शुरू करे। तो हम दो बहनें भी उनके साथ वॉक करे, और बस आधा मिनट पहले हम वहां पहुंचे और हमको वो बेल बजाने का मौका मिला। तो इस तरह से हम अगर साइलेंस में रहते हैं, और अगर जैसे सही हमारा संकल्प आता है तो हमें उसी समय हम कर पाते हैं। तो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी उस चीज को कि जो जिस समय पर जो करना है वो हम कर सकते हैं। ये मैं कह रही हूँ कि हमें बुद्धि को यूज करना है,
लेकिन वो क्वालिटी जो है वो बुद्धि की वो है सरेंडर बुद्धि. तो हम इसके बारे में आधा घंटा और हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन समय भी हो गया है. तो आपने आपसे मुझे आपसे मैंने सीखा है कि जब लीडरशिप and do the right thing. I was asking you many questions about what should I do, what should I do. कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. ऐसे मैं आपसे पूछता रहा हूँ. तो आपने मुझे हमेशा कहा एरिक कि बस लाइट रहो और जो लाइट देखेंगे वो आपकी लाइट को फॉलो करेंगे. तो बस लाइट होकर के जाओ और जो भी आपको देखेंगे उस लाइट स्थिति में वो फॉलो करेंगे. तो वो बहुत ही तो मेरी जिम्मेवारी, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं लाइट रहूं. थैंक यू, आपने मुझे सिखाया. मैं उसके बारे में बार बार सोचता हूँ. बस लाइट बन के जाऊं और जो उसको देखे वो भी लाइट हो जाए और फिर कोई चिंता की बात नहीं. तो मुझे खुशी हुई कि इस विषय पर हमने डिस्कशन किया. तो वार्सिटी सिटी सब सबको टोली मिल रही है. तो ये चॉकलेट कुकी है. कोई मैसेज है क्या कोई कुकी में? क्या ब्लेसिंग कुकी के अंदर है? तो ये वीकेंड मधुबन के एक्सपीरियंस रिट्रीट है. तो ये दो रिट्रीट कर रहे हैं क्योंकि मधुबन बहुत लोग जा नहीं पाए हैं. तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं. तो सब बैठे हैं और सुन रहे हैं. अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति. दीदी को और एरिक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर चिट चैट के लिए. अब बाबा की याद में हम बैठते हैं.